04 आओ ओके कर दीजिएगा, ऊपर में ओके होगा, पर्ची पकड़ लीजिए। ये NDMC की स्मार्ट पार्किंग है, विदेश की तर्ज पर बनी ऑटोमेटिक पार्किंग में आप खुद मशीन में गाड़ी का नंबर डालकर पेमेंट स्लिप ले सकेंगे और बिना किसी अटेंडेंट के आसानी से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकेंगे। यही नहीं, खुद कैश पेमेंट कर सकते हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है ये भी पार्किंग स्लिप में दर्ज होगा। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये है कि अब आपको पार्किंग का पेमेंट करते वक्त किसी कर्मचारी से बात करने की जरूरत नहीं होगी। इस वक्त मैं CP के पार्किंग में प्रवेश कर रहा हूं और ये एक फुली ऑटोमेटिक पार्किंग है। अब देखते हैं इसमें किस तरह से आप जो है बगैर किसी सहायक यानी पार्किंग अटेंडेंट के आप यहां पर काम करेंगे। दरअसल मेरी गाड़ी का नंबर 2322 है और इस गाड़ी से हम पर्ची निकालते हैं। अपना जो गाड़ी का नंबर है वो आप इसमें प्रवेश करेंगे, 2322 ये मैंने डाला और ओके किया। जैसे ही ओके किया ये पर्ची इधर निकल आई और यहाँ पर जो बैरियर है वो हट गया। उसके बाद मैं आसानी से अपनी गाड़ी ले जा सकता हूँ और अंदर कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। नई पार्किंग के लिए लोगों में खूब उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन लोगों को इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अभी पार्किंग अटेंडेंट रखे गए हैं। बहुत अच्छा लगा सर, ये तो सिस्टम बिल्कुल इम्पोर्टेड स्टाइल में हो गया और कोई परेशानी नहीं कि ओवरचार्ज का सिस्टम नहीं, अपना इजीली पेमेंट करो, आप PTM से करो, ऑनलाइन करो, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, जैसे आप एयरपोर्ट जैसे गए हो गए वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, आप जाते हैं तो आप खुद ही अपना पर्ची काटते हैं, तो यहाँ भी सिस्टम कर दिया गया है। दरअसल उपराज्यपाल की फटकार के बाद NDMC पार्किंग व्यवस्था पर बेहद तेजी से काम कर रहा है। इसके बावजूद गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से पार्किंग समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हो पाई है। हालांकि स्मार्ट सिटी के तौर पर ये एक अच्छा कदम है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।